सवाल इनका यह है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कितने बजे तक रहता है। भाई इसको आप बजे से मत जोड़िए, इसको आप ऐसे समझिए कि ऐशा की नमाज के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। जब आपने ऐशा की नमाज पढ़ लिया, खत्म कर लिया, हो सकता है कभी आप ऐशा की नमाज 10 बजे पढ़ो, मुमकिन है। अगर आपने 10 बजे तक अभी ऐशा की नमाज नहीं पढ़ी है तो गोया कि आपका तहज्जुद का वक्त नहीं शुरू हुआ। हो सकता है आप ऐशा की नमाज 8 बजे ही पढ़ लो, अगर आप 8 बजे आप पढ़ के फारिग हो गए तो आपकी तहज्जुद का नमाज शुरू हो गया। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त स्टार्ट होता है ऐशा की नमाज के बाद, ये स्टार्ट हो गया। एंड कब होता है? तहज्जुद की नमाज का वक्त खत्म होता है तुलुए फजर के वक्त। तुलुए फजर जो फजर की अजान का वक्त है, जब फजर तुलु हो गया, सुबह साद तुलु हो गया, तो अब तहज्जुद की नमाज का वक्त खत्म हो गया। लेकिन इसमें अफजल वक्त क्या है? आप ऐशा से की नमाज के बाद से लेकर के फजर तक कभी भी पढ़ सकते हैं, तुलुए फजर तक। लेकिन अफजल वक्त यह है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के निस्फ हिस्सा सोते थे। रात का निस्फ हिस्सा, पहला जो निस्फ है आधा, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। उसके बाद दो सुलुस रात का जो सॉरी दो सुदुस या एक सुलुस, आप एक सुलुस तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, आखिर में एक सुदुस सोते थे। आप उसको, मैं मैथमेटिक वाले अंदाज में बता रहा हूं आपको, आप रात को छह हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। रात को छह हिस्सों में कैसे तकसीम करेंगे? गुरूबे आफ्ताब से लेकर के आप जो है तुलुए फजर तक, आप रात को छह हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। जो शुरू का तीन हिस्सा है, उस तीन हिस्से में इंसान सोए, उसके बाद जो दो हिस्सा है उसमें नमाज पढ़े, उसके बाद जो आखिरी छठा हिस्सा है उसमें फिर सोए। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, यह अफजल है। लेकिन जायज ऐशा के बाद से लेकर के तुलुए फजर तक तहज्जुद की नमाज कभी भी पढ़ी जा सकती है।